सर मुझे ये जानना है कि सर क्या हम लोग को लाइफ में नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग को डाउनफॉल हो सकता है, क्या ऐसा नहीं क्या है जो नहीं करना चाहिए? तो कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? टॉपिक इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज से पहले मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा भी नहीं है, ना ऐसा कोई कभी कोई टॉपिक किया है कि ऐसा क्या है जो हमें लाइफ में नहीं करना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो, ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए? हाँ, इनसे स्टार्ट करते हैं। सर मेरे हिसाब से किसी भी काम को, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को नहीं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, अगर हम पहले ही किसी काम को नहीं बोल देते हैं ना तो वो कभी सक्सेस होता ही नहीं है, और जितना भी आपके पास कॉन्फिडेंस हो आप उस चीज़ को कभी भी कर ही नहीं सकते। तो पहले नहीं बोलना नहीं सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। बेस्ड अपॉन आर पास्ट एक्सपीरियंस हमारे माइंड में कुछ बैठ जाता है जिसको हम बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और अभी से पकड़ना शुरू कर देते हैं इसी एज से, यानी इस एज में हमारे माइंड में वो चीज़ें बैठने लग जाती हैं। बच्चों के माइंड में कुछ नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, वहाँ पे ना हाँ लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और उसी की वजह से फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, उसी की वजह से सारी रिग्रेट्स आती है, क्योंकि होता क्या है बड़ी जल्दी हम ना बोल देते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने, डिसीजन लेना था, लेकिन सुनने से पहले ही सामने वाले बंदे की पूरी बात हमने पहले ही ना बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ करके रो रहे हैं। अपने घर में आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, अपने दादा को नाना को कभी ये डायलॉग कहते हुए सुना है कि उस टाइम पे मेरे को मौका मिला था, अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, उस टाइम पे ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो मैं पता नहीं कहाँ होता। पूछो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आई ना तो उन्होंने पहले ही, सुनने से पहले ही, समझने से पहले ही ना बोल दिया, किसी और ने हाँ बोल दिया, जिसने हाँ बोला वो आगे निकल गया, जिसने ना बोला वो पीछे रह गया। तो अपनी लाइफ में कभी भी ये हाँ और ना को स्ट्रांग मत होने दो। अगर आप मेरे भी सेशंस को ध्यान से कभी सुनोगे ना या ऑब्जर्व करोगे, आपको एक क्लियर स्टैंड नहीं मिलेगा, और इसमें वो लोग जिनका माइंड बिल्कुल ही कॉन्क्रीट है, पत्थर के जैसा है। माइंड ना दो तरीके के होते हैं, 90% से ज़्यादा लोगों का जो माइंड है वो पत्थर के जैसा है, उसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है और कुछ नया अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। उस माइंड में जो पहले से फिक्स्ड है उससे मिलता जुलता कोई बंदा कोई बात करेगा, जैसे मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो वैसे ही सोचता है बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूँ, और जैसे ही उससे अलग कोई थोड़ी सी बात करी जाएगी तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सही नहीं, समझ के क्या हो रहा है, इन माइंड्स को क्या कहो, पत्थर के जैसे माइंड है, सब रुका पड़ा है। दूसरे तरह का माइंड कौन सा होता है, जो एक नदी की तरह बह रहा है, जब तेजी से बहता है तो वहां पे कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, आप कोई भी साइड नहीं ले सकते, और जैसे ही आप साइड नहीं लोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका माइंड कॉन्क्रीट है, वो कहेंगे अच्छा आपने अपने इस सेशन में तो ये बोला था, इस सेशन में ये बोल रहे हो, तो क्या ये सही है या ये सही है, ये आती है प्रॉब्लम कई बार या नहीं आती है? तो भाई वो भी सही है वो भी सही है, स्टैंड पॉइंट्स अलग अलग है, इस एंगल से देखोगे तो ये सही है, इस एंगल से देखोगे तो ये ही गलत है। सिक्के के एक तरफ से देखोगे, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो उजाला है, सिक्के पर उजाला है, इधर से देखोगे तो क्या है, सिक्के पर अंधेरा है। तो अब आप कहोगे भैया क्लियर बात क्यों नहीं करते, सिक्के पर उजाला है या सिक्के पर अंधेरा है, सिक्का हेड है या सिक्का टेल है, क्लियर बोलो ना, ये दो दो बातें क्या करते हो, सिक्का हेड भी है टेल भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, समझे? तो हो सकता है पास्ट में आपको किसी बंदे के साथ में कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो फ्यूचर में जिससे भी आप मिलने वाले हो सकता है वो भी गड़बड़ हो सकता है ना हो, लेट मी फाइंड आउट। तो फिर क्या होगा, जैसे आप बोलते हो लेट मी फाइंड आउट, आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हो, आप एकदम से ना बोलते हो ना जल्दीबाजी में हाँ बोलते, और ये बड़ी कमाल की स्टेट होती है, लेट मी एक्सप्लोर लेट मी फाइंड आउट। अब आपके अंदर पेशेंस आ गया है, लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, बड़ी जल्दी तैयार बैठे पड़े हैं अपना जजमेंट पास करने के लिए, कहीं भी जरा सा कुछ हो जाता है बड़ी जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हो, इसने बहुत गलत किया, आपको पता भी है उसने क्या किया है क्यों किया है, आपको पता भी है उसने किया भी है या नहीं किया है, नहीं नहीं बस जजमेंट हमारा तैयार है। ऐसे ही जैसे हम दुनिया को जज कर रहे होते हैं ऐसे ही अपने घर में और लोगों को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुद को जज कर रहे होते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो यस और नो क्या है, जजमेंट है।
तो जजमेंट को जल्दी पास मत करो, आराम से करो, और इतना भी आराम से मत करो जैसे इंडिया में कोर्ट में होता है कि 20 साल लग रहे हैं एक जजमेंट को पास करने में। 20 साल नहीं लगने चाहिए ना, 20 सेकंड लगने चाहिए, बीच का टाइम कहीं पे ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, बहुत बड़ा डिसीजन है तो 2 महीने। बड़ा डिसीजन मतलब क्या, शादी का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, करियर का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, तो वहां पे अगर 20-25 दिन महीना भी लग जाए दैट इज ओके। तो ये हमको एक आंसर मिला लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सर मेरे को लगता है कि हमें हमारे ऊपर पर्सनली सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। अगर हमने अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दिया फिर हम कुछ भी करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ स्टैंड करूँगी फिर मेरे को लगेगा मैं खड़ी होने में कहीं गिर तो नहीं जाऊँगी। सो मुझे लग रहा है कि वो डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप पे। हमें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है कि मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये ख़त्म कैसे हो, ये जो सेल्फ डाउट है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डाउट होने लग जाए, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। डाउट हमारे माइंड में इस तरीके से आ रहा है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है होना चाहिए। मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, होना चाहिए। कोई बंदा आकर के बोल रहा है कि हाँ मेरे को पैसा दे दे, एक साल में तेरा डबल करवा दूंगा, तो वहाँ पे डाउट होना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है। तो अब अगर ये सेल्फ डाउट आपको हेल्प कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से आप अटक गए हो लाइफ में, ये सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल दिए हैं, कि आप कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं। हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये आने लग जाता है, नहीं आता है। इससे कैसे बचे? अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, बॉडी इज बॉडी, ब्रेन इज नॉट योर ब्रेन और माई ब्रेन। इस सच को देख पा रहे हो? सिर्फ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो अलग अलग है, बट जो ब्रेन है, जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है, दैट इज सेम। उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो हार्डवेयर इज सेम, आंखें सेम है, शेप अलग अलग हो सकती है, बट जिस तरह से वो काम कर रही है, जैसे दो कैमरास हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बाहर से दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, बट जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सेम है। जिस तरह से लाइट पड़ती है, मिरर पे जाती है, ये होता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो इमेज को कैप्चर करता है, वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। तो ऐसे ही जब इस सच को आप देख लेते हो, यू मी और एनीबडी, वी एज इन ह्यूमंस, वी आर ऑल सेम। योर ब्रेन इज नॉट सिमिलर टू आइंस्टाइन्स ब्रेन, इट इज सेम। तो एक एनर्जी आती है अंदर से। अब अपना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना ओवर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि ओवर एस्टिमेट भी जो खच्चर करते हैं उनके भी माइंड में ये बैठा होता है कि मेरी ब्रेन तो पता नहीं क्या है, आई एम तो जीनियस। वो भी खच्चर है, जीनियस खच्चर है वो। हाँ, और एक है जो बेवकूफ खच्चर है, वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी ब्रेन में ही कुछ कमी है, नहीं मेरे में कुछ कमी है, मेरे में मतलब क्या, अलग तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डाल दो, वो अलग तरह से काम करने लग जाएगी ब्रेन। सिंपल है। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि जब लाइफ में मूड बहुत खराब होता है, यानी एक तरह के थॉट्स अंदर चल रहे हैं, एक तरह की इन्फॉर्मेशन अंदर प्ले होती चली जा रही है ब्रेन पे, एकदम से आपने मेरा कोई सेशन देखा या कोई बुक पढ़ी या किसी और का कोई सेशन देखा, एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला है वहां पर? क्या ब्रेन बदल गई? हार्डवेयर बदला है, सॉफ्टवेयर ही तो बदला है, इन्फॉर्मेशन ही तो बदली है। पहले अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो। आया समझ में? नहीं आया कुछ? अब कहां पे है सेल्फ डाउट बताओ? अब यहां पे ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब मेरी ब्रेन और आइंस्टाइन की ब्रेन सेम है, आपकी ब्रेन और किसी की भी, एनी पर्सन यू नेम इट, जो भी पास्ट में हुआ या अभी है या होने वाला है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको सिर्फ ढंग से यूज करना है, समझदारी से यूज करना है, बस और कुछ नहीं है। इनको देना माइक जरा, पीछे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पेरेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हमको अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
देखो एक पेड़ है, किस बेस पे डिसाइड होता है कि वो पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, उसकी जड़ें कितनी अंदर तक है। तो अगर हमको ऊपर बढ़ना है, ऊपर मतलब आप कह सकते हो बाहर इस दुनिया में अगर बढ़ना है तो अंदर जड़ें उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अपनी रूट्स को हमने छोड़ दिया और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जाएंगे, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, दिखेंगे भी नहीं कहां गए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अपने माँ बाप के बारे में कुछ बुरा सोचना तक नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। किसके साथ? अपने माँ बाप के साथ। कौन है माँ बाप? आपकी जड़ें हैं। और सोचो, आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है, उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पर वो आपको अभी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना, जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? तो इसको हमेशा याद रखना है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से एग्री करो। नहीं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, डिसीजंस के बेस पे लड़ाई हो सकती है कि मेरा डिसीजन ये है, आपका डिसीजन ये है, मैं ये चाहता हूं, आप ये चाहते हो, उसमें लड़ाई हो सकती है और वहां पर करनी भी चाहिए। ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं हर बात पे हम एग्री कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आपकी अपनी आइडेंटिटी ही क्या रही? कुछ भी नहीं है, वो बोलते रहेंगे आप करते रहोगे। तो रिस्पेक्ट अलग चीज है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग चीज है, तो इसको मिक्स मत करना। बिकॉज मेरे को पता है मेरी ये बात सुनते ही लोग क्या बोलेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप, अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। वो कहेंगे बढ़िया है, यही तो हमें चाहिए था, ऐसे ही तो चाहिए हमें कि बेटा चल अब तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये होगा वो होगा, सारा कुछ तुमसे लड़ लो। जहाँ पे अपनापन होता है वहीं पे लड़ाई होती है। अनजान से कौन लड़ता है? है कभी यहाँ पे अनजान में आपस में अभी कोई लड़ाई हुई है आकर के? तू मुझे पसंद नहीं है, भाड़ किया किसी ने ऐसा आपस में? हाँ नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनजान है क्या, अपने अपने घर चले जाना है सबको इस सेशन के बाद में, किससे किसको क्या लेना देना है? अपनों से ही तो लड़ाई होती है, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से। तो लड़ो, लड़ने में कोई बुराई नहीं है, अपनेपन से लड़ो। ऐसे लड़ो कि भाई लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे जो मर्जी करेंगे, अलग नहीं हो, रहेंगे साथ में। इसको इस तरह से भी कह सकते हो, आपस में लड़ेंगे, बाहर का कोई आएगा तो फिर हम एक हो जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। या एक्चुअल में अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम सब एक हैं। हाँ आपस में हमारा चलता रहता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जड़ों को याद रखने का मतलब, जड़ों को ना भूलने का मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको अंदर तक पता है कि ये मेरे अपने हैं। कैसे पता है? क्योंकि जब आपकी लाइफ का सबसे खराब टाइम चल रहा था तब भी वो आपके साथ थे, वो आपके अपने हैं, फॉर श्योर आपके अपने हैं। जब खराब टाइम में नहीं छोड़ा तो अच्छे टाइम में क्या छोड़ेंगे? और कुछ ऐसे लोग होते हैं थोड़ा सा आपका टाइम अच्छा होता है, पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं, आपके लारे लप्पे करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ तू तो मेरा भाई है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, वो हैं। जैसे ही आपका टाइम थोड़ा सा खराब होगा आपको छोड़ देंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपसे बात तक नहीं करेंगे, एकदम पीठ कर देंगे आपकी तरफ। तो आप पहचान सकते हो ऐसे लोगों को। कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी नहीं थे, या ये कह लो खराब टाइम चल रहा था, तब भी वो आपके साथ में थे, तो ये आपके अपने हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है। चाहे घर अलग अलग हो जाए, देखना इसको भी ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक ही घर में रहेंगे जी, अब तो सास बहू आपस में एक दूसरे का गला काट रही है लेकिन रहेंगे हम एक साथ ही, ये नहीं कह रहा हूं मैं। चाहे घर अलग अलग हो जाए, यानी फ्लोर अलग अलग हो जाए, अपार्टमेंट अलग अलग हो जाए, आप यहां रहते हो वो वहां रहते हैं, या दूर भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हो वो बॉम्बे में रहते हैं, दैट्स ओके, लेकिन दिल से हम एक हैं जी, मरते दम तक हम अलग नहीं हो सकते। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जिसके माइंड में ये क्लियर है उसकी जड़ें पक्की हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.